पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। देवघर में डॉक्टरों की लापरवाही कोई आम बात नहीं है। अक्सर इस तरह के वाक्य यहाँ पर होते रहते हैं। आज के जमाने भगवान को लोग बड़ी श्रद्धा भाव से पूछते हैं और उससे भी ज्यादा डॉक्टरों को, उनसे भी बढ़कर यह कह सकते हैं कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि यह वही व्यक्ति होते हैं जो मरते हुए को जिंदा करने का जज्बा रखते हैं। लेकिन यह डॉक्टर मरीजों के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं और हैवानियत पर उतर आए हैं तो मरीजों का इन पर से विश्वास उठने लगता है। यह सभी मरीज आए थे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन किसी का भी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। सभी मरीज डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं और इनका आरोप है कि अब जब हम लोग आते हैं तो सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरीज मनीष कुमार बता रहे हैं कि सिलाई ठीक से नहीं हुई है, सिलाई फिर से खुल जाती है, इससे गंभीर समस्या हो रही है। वही पूरे मसले पर प्रभारी से बात की गई है तो उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि आपको जहां जाना है जा सकते हैं। देवघर से जीतन कुमार की रिपोर्ट। इन तस्वीरों के जरिए देखा कि हाइड्रोसिल से संबंधित जिन मरीजों ने यहाँ पर ऑपरेशन कराया है उनकी समस्या को लेकर डॉक्टर जो है सफाई देने से बच रहे हैं, यानी कि सफाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या से इन तस्वीरों के जरिए देखा गया कि इनकी समस्या जो है का बहुत ही बड़ी समस्या है। आखिर ऑपरेशन किस तरीके से किया गया, घाव क्यों नहीं सूख रहा है, सिलाई जो है बेहतर तरीके से नहीं की गई, ये सवालिया निशान खड़ा होता है जिन्होंने ऑपरेशन किया है। और यहाँ के प्रभारी भी सफाई देने से बच रहे हैं। सिला ऑपरेशन वही 8 जनवरी को करवाए थे, किसी का सक्सेस नहीं हुआ है। सिलाई कटने के बाद 8 दिन 10 दिन के बाद सिलाई कटवाए और जॉइंट उसका फट गया सब, और वही सब उसमें पानी उनी पूरा अथी चलने लगा। प्रभारी सर को बोले एक दिन जो कम से कम डॉक्टर जो किया था ऑपरेशन उसको यहाँ बुलाइए, देख लेगा सबका समस्या कैसा है। कौन किया था ऑपरेशन? वही डॉक्टर चितरंजन प्रसाद पंकज, चितरंजन कुमार पंकज किया था। लेकिन कम से कम उसको एक दिन बुलाइए, देख लेगा स्थिति। बोला यहाँ का डॉक्टर तो ही है मानस सर, फिर मानस सर तो थोड़े से सर्जन डॉक्टर है, फिजिशियन है, क्या देखेगा वो, कम से कम अपना देखता हो। बल्कि ठीक है सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी का नहीं हुआ, सबका साथ सबका वही सिलाई छूट गया, सिलाई मिस्टेक हुआ था, ज्वाइंट उसको सही ढंग से किया नहीं, मोड़ के सब किया कर दिया था। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लुटिया तरी। हमारा गांव का 4 गो पेशेंट था, चारों। कौन सा पंचायत के हैं? ताराबाद पंचायत। फिर हम प्रभारी सर को बोले कम से कम बुलाइए उसको, और नहीं हम लोग जाते हैं सिविल सर्जन के पास चाहे डीसी के पास। बोला जहाँ जाना है आपको जाइए जी, ठीक है तब हम लोग देखेंगे, जहाँ जैसे करना होगा करेंगे। जब आप लोग यहाँ सही दवा नहीं सुई देते हैं क्या कीजिएगा सर, हम लोग प्राइवेट में कितना आदमी सब जाके सिलाई करवाया और सबका इलाज करवा रहा है, वहाँ दवाई सुई ले रहा है, यहाँ वही 2-3 गो 4 गो सुई दिया। कितना पैसा खर्च हुआ आपका? हम तो अभी 1500 का खर्चा करके आए। एक हमारा गांव का पेशेंट है वो हमको लगता है 7-8 हजार का खर्चा किया। आपका कितना खर्च हुआ? हमारा भी हुआ 1200-1500 लगभग। ओ ये अभी आयुष्मान के तहत यहाँ काट लिया गया, वो 5000 यहाँ काट लिया। प्राइवेट में हम गए थे दिखाने के लिए, यहाँ तो आयुष्मान के तहत वो 5000 रुपया काट लिया, वो मैसेज भी आ गया हमारा। उसमें जो सिलाई कटा उसमें घाव हो गया, छूट नहीं रहा, डॉक्टर बोलता है छूट जाएगा छूट जाएगा, कुछ नरम नहीं हो रहा है। प्राइवेट में भी दिखाए तो उसमें भी अलग से किया दवाई, प्राइवेट में यही तो हाल है। क्या नाम हुआ? शंकर दास। 8 तारीख को ऑपरेशन कराए थे, 8 तारीख को ऑपरेशन कराए थे, उसके बाद कुछ दिन 10 दिन के लगभग में बड़ा हो गया, क्योंकि उसका समस्या गंभीर हो गया, जो थी पर ड्रेसिंग होते जा रहा है लेकिन ठीक नहीं, तो बाहर से इलाज कराने से सब उसी से तरह कंट्रोल में है। क्या नाम हुआ? रामदेव। ऑपरेशन कराए सर, उसके बाद जो है 12 दिन के बाद सिलाई कटवाने आए तो घाव का थोड़ा समस्या गंभीर था, नहीं कटवाए, 15 दिन में कटवाए। उसके बाद सिलाई कटवाने के बाद सिलाई हल्का सा नीचे से भी मेरा छूट गया है और घाव बढ़ गया, किस टाइप का आ गया था, पक गया था। उसके बाद बाहर से हम लोग फिर दवाई लेके उसको अभी थोड़ा है कंट्रोल में, बाहर से दवाई सुई दी। उसके बाद क्या बोलते हैं डॉक्टर?
डॉक्टर को यहाँ आए तो डॉक्टर बोला छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर संचयन क्या कहते हैं? बोला कि देख हो जाएगा, बल्कि इसी से दवाई सुई लीजिए ना, हो जाएगा। क्या नाम हुआ? जितेंद्र यादव। देवघर से आरपी भारत के लिए मैं जीतन कुमार।